सभी बड़े सदा यही कहते आए कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो। सत्य कहते हैं, अपनों का साथ देना ही चाहिए, परंतु साथ देने से पूर्व ये अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र? अपने वो होते हैं जो हमें सद्कार्य के लिए प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ाएं, हमारा साथ दें, और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश हो, धर्म की हानि हो, वो सगे हो करके भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दे, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाएं। अपने खेल पर ध्यान रखो दुर्योधन, नहीं तो तुम मुझे परास्त नहीं कर पाओगे। क्षमा कीजिए महाशय, आपके इस चौसर में आपके जितना कौशल नहीं है मेरा, और खेल में मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपने ऐसा किया क्यों। मैं पांडवों के समक्ष प्रस्ताव ले जाने के विरुद्ध था, आपने मुझे बाध्य किया। क्यों? आप पांडवों का विनाश नहीं चाहते, आप बदल गए क्या? क्यों आपने पिताश्री को शांति प्रस्ताव ले जाने के लिए मनाया? तुम्हें क्या लगता है दुर्योधन, क्या यह शांति प्रस्ताव युद्ध को रोक पाएगा? कदापि नहीं। अब यह युद्ध होकर रहेगा, इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। अरे तो फिर संजय और विदुर को शांति प्रस्ताव लेकर क्यों भिजवाया आपने? बताइए ना। बताता समझो दुर्योधन, जिस प्रकार हम दूत भेजेंगे उसी प्रकार वहां से भी उन्हें दूत भेजना होगा ना। तुम्हें क्या लगता है कौन आएगा दूत बन के पांडवों की तरफ से? कौन आएगा? वही जो दर्शाता तो यही कि उसका किसी भी निजी प्रकरण से कोई संबंध नहीं, परंतु जो हर प्रकरण में बीच में घुस आता है, जो मेरे हर छल को अपनी बुद्धि के बल से असफल कर देता है, वो जिसकी मनोहर बातों का व्यू गुरु द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह से भी अधिक शक्तिशाली है, वो जो हस्तिनापुर के सिंहासन पर तुम्हें नहीं उन पांडवों को बिठाना चाहता है, वही 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 छलिया, वही वासुदेव कृष्ण। ये तो उसमें हंसने वाली क्या बात है, उसका क्या? बताता हूं। चलिए कृष्ण यहाँ आएगा तो अवश्य, परंतु क्या नहीं पाएगा। जाने वो आएगा। आपका क्या मत है वासुदेव? मैं इस प्रकरण में सम्मिलित ही नहीं हूं संजय महोदय, इसलिए इसका निर्णय भी युधिष्ठिर और दुर्योधन पर निर्भर करता है। परंतु मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आप लोगों के विचारों को जानूं, क्योंकि शांति प्रस्ताव के लिए आप सबके समक्ष मुझे भेजा गया है, और मैं ये आशा करता हूं कि धर्मराज भी शांतिपूर्वक इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे। वो तो इस पर निर्भर करता है कि आपके युवराज का क्या विचार है।
मैं केवल महाराज धृतराष्ट्र का संदेश लेकर आया हूँ वासुदेव। युवराज दुर्योधन के विचार मैं नहीं जानता क्योंकि मेरे पास दिव्य दृष्टि नहीं है। किसे ज्ञात संजय महोदय, किसी दिन आपको दिव्य दृष्टि मिल जाए और आप वो देख पाए जो सबके लिए संभव ना हो। धर्मराज, आपके समक्ष हस्तिनापुर से शांति प्रस्ताव आया है, क्या विचार है आपका? यदि हस्तिनापुर शांति चाहता है तो हमें भी युद्ध करने की कोई ललक नहीं। जब पितामह ने पहल की तो उनके निर्णय का मैं सम्मान करूंगा, परंतु ये युद्ध केवल मेरा नहीं, मेरे अनुजों का भी है और पांचाली का भी, इसलिए उनका मत जानना भी अत्यंत आवश्यक है। हमें ज्ञात है कि अवश्य ही तुम सबके हित की सोचोगे युधिष्ठिर, इसलिए हम सबको सबसे अधिक आशा तुमसे ही है। मुझे विश्वास है प्रतिकार और प्रतिघात के स्थान पर तुम शांति को महत्व दो। जहां तक शेष पांडवों का प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि ये सब तुम्हारे निर्णय का सम्मान करें। विचार विमर्श करके उत्तर दे धर्मराज, क्या निर्णय होगा आपका? वृषसेन। अरे लक्ष्मण, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, परंतु तुम्हें यहाँ देख के आश्चर्य हुआ, तुम यहाँ कैसे? वो मैं साम से मिलने आया था। हाँ, परंतु कुमार, साम से पहले मैं तुमसे मिलना चाहती थी। परंतु क्यों? क्योंकि अब केवल तुम ही अपने मित्र को इतनी बड़ी भूल करने से रोक सकते हो। साम युद्ध में ना केवल अपने पिता के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, अपितु वो स्वयं हस्तिनापुर की ओर से नारायणी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। परंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है वृषसेन। साम तुम्हारा मित्र है, उसे समझाओ, वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा। क्षमा चाहता हूँ लक्ष्मण। देखो, मैंने सदैव मित्र बनकर तुम्हारी सहायता की, तुम्हारा पक्ष लिया है, परंतु आज मैं साम का पक्ष लूंगा। हाँ लक्ष्मण, मैं बहुत पहले ही निर्णय ले चुका हूँ कि साम जिस भी पक्ष में होगा मैं सदैव उसी का साथ दूंगा। परंतु तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है लक्ष्मण, मेरे जीते जी साम को कुछ नहीं होगा, विश्वास करो मेरा। पक्ष जो भी हो, हानि तो मेरे परिवार को पहुंच रही है ना वृषसेन। तुम ही बताओ मुझे, प्रभु से मैं किस पक्ष के लिए प्रार्थना करूं? दोनों ही पक्षों में मेरा ही परिवार लड़ रहा, मैं क्या करूं वृषसेन? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है लक्ष्मण। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारी इस असमंजस से भरी परिस्थिति को समझ सकता हूँ। तुम इस युद्ध में भाग क्यों ले रहे हो वृषसेन? तुम्हारा तो पांडवों से कोई संबंध नहीं है, तो तुम अपने पिता के साथ इस युद्ध में क्यों भाग ले रहे हो? केवल इसीलिए लक्ष्मणा, क्योंकि साम कौरवों के पक्ष में, और इससे अधिक मेरे लिए कुछ महत्वपूर्ण नहीं। वृषसेन, मैं भाने तुम कितनी बड़ी भूल कर रहे हो। नहीं भाने तुम्हें, यदि भान होता तो इस युद्ध में भाग लेने के बजाय उसे रोकने का प्रयत्न कर रहे होते। तुम मैं तुम्हारे समक्ष बहुत सी उम्मीदें लेकर आई थी वृषसेन, परंतु प्रतीत होता है
ये मेरी भूल थी। अपना ख्याल रखना ऋषि से। अब मैं तो क्या, कोई भी इस युद्ध को होने से रोक नहीं सकता है लक्ष्मण। तुम्हारा अपमान मुझे स्मरण है पांचाली, परंतु इस महायुद्ध में केवल महाविनाश होगा। दोषियों को दंड अवश्य मिलेगा, परंतु सहस्त्र लाखों निर्दोषों के प्राण भी जाएंगे। न जाने कितने परिवार बिखर जाएंगे पांचाली, कितने परिवार। और न्याय का क्या धर्मराज? ये युद्ध न्याय का है, और आपकी ली हुई प्रतिज्ञा का क्या? अरे भीम, मैं कुछ नहीं भूला हूं पांचाली, ना ही तुम्हारे अपमान को, ना ही मेरी प्रतिज्ञा को। और जहां तक बात है इस शांति प्रस्ताव की, तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं। परंतु पांचाली, हम सब तुम्हारा वध जानना चाहते हैं, क्योंकि यह प्रस्ताव स्वयं पितामह और महाराज के द्वारा भेजा गया है, और इसे ऐसे ही ठुकराया भी नहीं जा सकता। आप भूल रहे हैं त्रिकोधर, उस सभा में श्रद्धेय पितामह और महाराज धृतराष्ट्र भी उपस्थित थे, और वो भी मेरा मान होने से नहीं रोक पाए थे। मुझे लगा था कि वनवास पूर्ण होने के पश्चात हम सबके जीवन का एक ही उद्देश्य है, कौरवों का विनाश। परंतु अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप सबके लिए केवल प्रस्ताव ही महत्वपूर्ण है। एक प्रस्ताव पर आपने अपना सब कुछ खो दिया, और आज एक दूसरे प्रस्ताव ने आप सब कुछ भुला दिया जो हमने खोया था। क्या एक शांति प्रस्ताव कौरवों के दिए गए वर्षों पुराने घावों को भर सकता है? आप सबके दिए गए वचनों को भुला सकता है? यज्ञ सिंह, यदि तुम चाहो तो इस संधि को ठुकरा सकती है, तुम्हें इसका पूर्ण अधिकार है, परंतु इसके पहले कोई भी निर्णय लेने से पूर्व मैं सखा वासुदेव से वार्तालाप करना चाहती हूँ। क्या हुआ? सखा कहाँ है? वो हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। परंतु क्यों? परंतु क्यों? पांडव की ओर से शांति दूत बनकर क्रोधित हो अपने सखा से? मुझे लगा प्रस्थान कर गए। भला अपनी सखी से मिले बिना मैं प्रस्थान करने की सोच भी कैसे सकता हूं? जानता हूं तुम्हारे मन में बहुत प्रश्न है, तुम्हें व्याकुल कर रहे हैं। जो कुछ भी तुम्हारे हृदय में है कह सकते हो। मैं वचन देता हूं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देगा ये सखा। ठीक है, तो बताइए कहां जा रहे थे आप? हस्तिनापुर, पांडवों के शांति दूत बनकर? अपनी सखी का अपमान भूल गए आप सखा? अपमान करने वालों के समक्ष संधि का प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं आप?
मुझे आपसे ये आशा नहीं दी सका। आप उन दोषियों से गले मिलने को तत्पर हो गए जिन्होंने मेरे, क्या यही आपका न्याय है सका कि आप मेरा मत जाने बिना ही जा रहे थे? नहीं सकी, ऐसा नहीं। मैं भली भांति जानता हूं कि तुम्हारा मत क्या है और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारा मत और मंतव दोनों ही पूर्ण होगा सकी, और इसीलिए मैं हस्तिनापुर जा रहा हूं। जो कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है सका। मैं शांति दूत बनकर इसलिए जा रहा हूं सकी क्योंकि पहले संदेश हस्तिनापुर से आया है परंतु अभी शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ है। मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि कोई ये ना कह सके कि शांति प्रस्ताव होते हुए भी पांडवों ने आक्रमण किया या फिर शांति प्रस्ताव का उत्तर नहीं दिया। मैं आपके इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हो सका। सखी, मैंने तुम्हें यह कहा था कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, परंतु संतुष्ट होना या ना होना ये तुम पर निर्भर करता है सखी। अब मुझे हस्तिनापुर जाने की आज्ञा दो। कहाँ थे पुत्र? द्वारका। परंतु क्यों? मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं इस युद्ध में भाग ले रहा हूं और उसी पक्ष से लड़ने वाला हूं जिस पक्ष से मेरा मित्र साम लड़ने वाला है। साम युवराज दुर्योधन के पक्ष में है और इसीलिए मैं भी वही हूं। मौन क्यों है? समझाइए इसे, रोकिए। अपने पति को अपने आराध्य वासुदेव के विरुद्ध खड़ा देखना क्या कम था? जो अब मेरा पुत्र भी उनके विरुद्ध खड़ा होगा? नहीं, मैं तुम्हें इस युद्ध में भाग नहीं लेने दूंगी। कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। रोकिए, समझाइए। श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध में खड़े होने का अर्थ है केवल सर्वनाश, और ये अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध जाकर इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता है। जब तुमने मुझ पर बाण छोड़ा तो तुमने मेरे सीने को लक्ष्य बनाया था, परंतु तुम्हारा लक्ष्य थोड़ा चूक गया। उसमें तुम्हारी भूल नहीं थी, उसका कारण तुम्हारा धनुष था। तुम्हारा धनुष संतुलित नहीं है। ये बिल्कुल संतुलित धनुष है, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। जो तुम्हें इसी का प्रयोग करना है, लक्ष्य कभी नहीं चूकेगा।